हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल द ग्रिंच पर। तो जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं, मेरे सामने है ये खूबसूरत सा सेंसेवेरिया प्लांट। इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कॉमन नेम जो इसका है स्नेक प्लांट, और एक दूसरा उसका नाम भी है आपका मदर इन लॉ टॉन्ग प्लांट। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत रहता है, आप इसको बहुत ही हार्डी रहता है, आप इसको आउटडोर भी फुल सन में रख सकते हैं, इनडोर में जो कि लो लाइट में भी आप रख सकते हैं, ये अच्छे से ग्रो करता है। ये बहुत ही पसंदीदा इंडोर प्लांट में गिना जाता है, बहुत ही कॉमन है। इसके बहुत सारे वैरायटी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हम लोगों ने एक वेरीगेटेड में प्लांट किया है। तो आप इस प्लांट को देख पा रहे हैं, ये बहुत ही लंबा है, नियर अबाउट 3 फीट इसका हाइट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका रूट बाउंड पूरा हो चुका है। ये 10 इंच के गमले में था, तो ये पूरा गमला पूरा भर्ती हो गया था ये जो सेंसेवेरिया है। तो मैं सोचा कि इसको पॉट चेंज कर लेते हैं, तो 10 इंच का गमला था, तो आज हम लोग थोड़ा डालेंगे इसको 14 इंच का जो पॉट है उसमें हम लोग डालेंगे आज। तो आज हम लोग इसको रिपोटिंग करेंगे एक 14 इंच का पॉट में। आप देख सकते हैं मैंने ये लिया है 14 इंच का प्लास्टिक पॉट। प्लास्टिक पॉट में बहुत अच्छे ड्रेनेज होल होते हैं, आप देख सकते हैं आपका जितने भी ड्रेनेज होल हैं यहाँ पे नियर अबाउट 10 to 12 ड्रेनेज होल है, जो कि बहुत अच्छा है, एक्सेस वाटर जो है वो आपका ड्रेन हो जाएगा। तो इसको जो प्लांटिंग करेंगे हम, इसको रूट को छेड़ेंगे नहीं आज, क्योंकि बड़ा वाला पॉट ले रहे हैं तो ये उसमें सेटल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको रूट को हम लोग बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। तो मैं आज यूज़ करने वाला हूँ इसको पॉटिंग करने के लिए सिंडर, दूसरा है कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉइल। तो जो सिंडर है, मैं सिंडर को गार्डन सॉइल के साथ मिलाऊंगा नहीं, मैं उसको आपका जो नीचे रहता है हम लोग का जो कोर्स सैंड देने वाले होते हैं, मैं उसके बदले में सिंडर दूंगा, ताकि वो प्लांट को थोड़ा ठंडा रखे और जो एक्सेस वाटर है वो ब्लॉकेज होल जितने भी ड्रेनेज होल है उनको ब्लॉकेज ना करे और पानी को आराम से जाने दे। तो उसके लिए मैं सिंडर नीचे डालूँगा, और उसके बाद मैं जो वर्मी कंपोस्ट है, कोकोपीट है और आपका जो गार्डन सॉइल है, मैं उसको यूज़ करूँगा इसको पॉटिंग करने के लिए। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको सिंडर को जो है हम नीचे के लेयर में 1 इंच तक का पूरा डाल देंगे, उसके बाद जो गार्डन सॉइल है उसको हम रविस फ्री कर देंगे, उनमें जो पत्थर कंकड़ रहते हैं जो भी रहते हैं उसको हम निकाल देंगे, उसके बाद हम उनके साथ गार्डन सॉइल के साथ कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट जो है वो मिला के 50%, मतलब 25% आपका वर्मी कंपोस्ट हो गया, 25% कोकोपीट हो गया और आपका जो गार्डन सॉइल है वो आपका 50% हो गया। तो इन सबको हम लोग अच्छे से मिला लेंगे, मिलाने के बाद इसको हम लोग पॉटिंग कर देंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं ये पॉटिंग का वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है आपका सिंडर। तो सिंडर जो है मैं नीचे का जो 1 इंच का लेवल है मैं उसमें मैं आपको डालूँगा। ये मैंने ऑनलाइन नहीं परचेज किया था, ये मैंने अपने शॉप से लिया हुआ है। सिंडर लेने का फ़ायदा एक होता है आपका प्लांट को ठंडा रखेगा, जो एक्सेस वाटर है वो भी आपका वो अच्छा से ड्रेन कर लेगा। एक बार जो अगर सेटल हो जाएंगे तो वो पाओ मतलब ड्रेनेज होल के जो नीचे से सिंडर आ रहे थे वो एक बार सेटल हो जाएंगे तो आएंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, तो पहले थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि आपका जो पिछले वाला जो प्लांट का जो रूट बॉल है वो कितना है और हमको अंदर में सॉइल कितना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा इस भी मेजर हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आपका इतना ऊपर से इतना आप छोड़ के नीचे का पूरा आप मिट्टी दे सकते हैं। ऊपर का 1 इंच छोड़िए पानी देने के लिए, हमेशा आप जब भी पॉटिंग करते हैं तो ऊपर से 1 इंच आप छोड़ दीजिए। नियर अबाउट आपका इतना गार्डन सॉइल आपको चाहिए ही होगा, तो गार्डन सॉइल हम लोग इतना देंगे, उसके बाद ही हम लोग प्लांट को बिठाएंगे। ठीक है,
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने ये वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और आपका जो गार्डन सॉइल है मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है, और जो गार्डन सॉइल से जो आपका जितने भी रेबिस थे मैंने उनको भी साफ़ कर दिया है। तो चलिए अभी हम पॉट में प्लांट को पॉट करते हैं। तो मैंने इसमें ले लिया है आपका जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी था गार्डन सॉइल मैंने इसमें ले लिया है। थोड़ा हल्का प्रेस कर लीजिए क्योंकि जितने एयर पॉकेट हैं वो निकल जाएं। हालांकि बाद में अगर आप पानी देते हो तो पानी डालते ही आपके जितने भी एयर पॉकेट होते हैं वो निकल जाते हैं। आप इसको ऐसे भी पकड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए मैंने मेजरमेंट करके लिया था, तो फ्रेंड देखिए मैंने मेजरमेंट करके लिया था इसीलिए अच्छा से ये बैठ गया। तो जो बाकी का जो खाली का एरिया है तो हम लोग गार्डन सॉइल से भर्ती कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपका कोई दूसरा पॉट लेते हैं, मैंने जो पॉट लिया है इसका क्या है ना, आपका जो फ्रंट साइड है और आपका जो पीछे का साइड है वो सेम ही है, तो अगर पॉट आप अगर घुमा भी देते हो तो आपको पता नहीं चलेगा, वो सामने हो जाएगा। लेकिन आप कोई दूसरा पॉट लेते हो तो सामने कोई डिज़ाइन रहता है। अगर आप इंटीरियर में लेते हो तो सेरामिक पॉट आप यूज़ करते हो कि दूसरा पॉट आप यूज़ करते हो, जिससे क्या कि सामने वाला पोजीशन अगर वो आपका दूसरा है तो आप उसी हिसाब से प्लांट को देखिए, प्लांट का कौन सा साइड आगे रखने से अच्छा दिखेगा तो उसी हिसाब से आप पॉट कीजिएगा। तो जो ये आपका जो बाकी का एरिया में प्लांट को डाल देता हूँ गार्डन सॉइल जो हम लोग का पॉटिंग मिक्स है मैंने बनाया था। सेंसेवेरिया जो है ये आपका बहुत ही ये हार्डी प्लांट रहता है, आप इसको फुल सनलाइट में रखिए या आप इसको इंडोर भी रखिए तो बहुत ही अच्छा। आप इसको आप देख सकते हैं इसका टिप बर्निंग ना हो, अगर आपका ये अच्छा प्लांट हेल्दी प्लांट है तो आपको पता चलेगा कैसे, आपका ये जो टिप रहता है स्प्लीफ का जो टिप रहता है वो आपका टिप बर्न ना हो, वो अच्छा रहे और आपका जितने भी लीव्स हैं वो पूरा स्ट्रेट होकर रहे। अगर आप देखेंगे कि कोई पत्ता आपका ऐसे सो गया है तो आपका प्लांट हेल्दी नहीं है। तो फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से मिट्टी डाल के थोड़ा आप जर्क कर देंगे तो आपके जितने भी आपके एयर पॉकेट होंगे वो थोड़ा निकल जाएंगे। तो पौधा को लगाने के बाद पानी ज़रूर डालिए, वो भी वाटर कैन से, या आपका अगर शावर यूज़ करते हैं तो पाइप के आगे शावर लगा के आप इसको पानी दीजिए, पूरा प्लांट को भिगो दीजिए, पानी सफिशिएंट दे दीजिए और इसको शेड में रखिए एटलीस्ट 4-7 days। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने ये दो प्लांट अभी मैंने पॉटिंग किए, ये वेरीगेटेड वेराइटी है और ये आपका जो ग्रीन वेराइटी है, तो आप इनको अच्छे से पानी दे दीजिए प्लांट को ताकि वो अच्छी तरह पूरा जितनी भी मिट्टी में एयर पॉकेट हो सब निकल जाए। तो फ्रेंड्स एंड तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड हैप्पी गार्डनिंग।